किसी ने सच कहा है, बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। 24 की लड़ाई के लिए यूपी की सरकार का मिजाज बदल गया है, पार्टी का अंदाज बदल गया है। हवा में उड़ने वाले नेता अब रिक्शे पर आ गए हैं। अगर यकीन न हो तो जरा तस्वीर देखिए। चित्रकूट में प्रभु कामतानाथ स्वामी के दर्शन के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लग्जरी गाड़ियों में नहीं, ई रिक्शे में बैठकर सफर कर रहे हैं। यह तस्वीर प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल की है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की है, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सहित उन तमाम नेताओं की है जो ई रिक्शे में सवार होकर कामतगिरी की परिक्रमा के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह है कि आम आदमी के ये नेता महज कुछ घंटों पहले ही जब चित्रकूट के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए आए थे, तब जनाब हवा में उड़ रहे थे, या फिर कहें हवा में उड़ कर आए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तस्वीर महज कुछ घंटे पहले की है, जब वो सरकारी चार्टर्ड प्लेन से उतर रहे थे। कुछ ही घंटों में जनाब रिक्शे में नजर आ गए। दरअसल ये बदलाव बीजेपी की उस सियासी लाइन का बदलाव है। बीजेपी अब आम आदमी के साथ खड़ी दिखाई देना चाहती है। 24 के कब्जे की लड़ाई अब शुरू हो गई है। यही वजह है कि सरकार से लेकर संगठन तक सड़कों पर आ गया है। 2024 के लिए बीजेपी ने मिशन क्लीन स्वीप तैयार किया है, यानी 24 में यूपी में विपक्ष का सुपड़ा साफ। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी शुरू हो चुकी है, व्यूह रचना तैयार हो चुकी है, फौज को मोर्चे के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कभी भी रणभूमि में कूच का आदेश मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी अब दलित, पिछड़ों और वंचितों की लड़ाई लड़ती नजर आना चाहती है। ये मैसेज देना चाहती है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ बीजेपी का नारा ही नहीं, हकीकत भी है, और खासकर गरीब और पिछड़े तबकों को साथ लेकर चल रही है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर धार्मिक नगरी चित्रकूट में चल रहा है। यहां संगठन और सरकार से जुड़े हुए सभी नुमाइंदे 2024 के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे 24 की लड़ाई लड़नी है, कैसे विपक्ष विहीन चुनाव बनाना है, इसके लिए कैसे विपक्ष के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी लाइन ऑफ एक्शन में बदलाव किया है। इससे पहले बीजेपी की रणनीति थी कि बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाट और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद करेगी, और बीजेपी की रणनीति काफी हद तक सफल भी हुई थी। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार बीजेपी का निशाना समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यादव है, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों के भी एक तबके को बीजेपी अपने पाले में करने से अब गुरेज नहीं करती। इतना ही नहीं, बीएसपी के कोर जाटा वोट बैंक को भी तोड़ने की कवायद बीजेपी इस बार करने में जुटी है। यानी सीधे तौर पर संकेत है कि सपा के MY और बीएसपी के MD को भी अब बीजेपी टारगेट करेगी। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा भी नहीं छोड़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी ने मुस्लिमों के पसमांदा समाज को टारगेट किया है। उसका एक बड़ा वोट बैंक भी है और उसे बहुत कट्टर मुस्लिम नहीं माना जाता। सरकारी योजनाओं और कुछ सौगातों के साथ उन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सरकार बनाने के बाद पूरी सरकार को जमीन पर उतार दिया है। हवा से रिक्शे का ये बदलाव इसी रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन ये कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्तित्व न्यूज के लिए चित्रकूट से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।